सुल्तानुर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बेटा हमने यूनिट नंबर 4 खेड़ा की सैर, इसकी हाफ रीडिंग कर ली थी, ठीक है। आज हम इसका लास्ट पैराग्राफ रीडिंग करेंगे, लास्ट पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बच्चे इस सैर से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और अपने उस्ताद्ज़ा से मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुतल्लिक मालूमात भी हासिल कर रहे थे, ठीक है। वो जिस जो जो चीज़ उसके अंदर कान के अंदर देख रहे थे उसके बारे में अपने टीचर से पूछ भी रहे थे कि ये इस उसके बारे में उसकी तफसीलात, ठीक है। इस दौरान में जहर की नमाज का वक्त हो गया, तमाम उस्ताद्ज़ा और बच्चे फौरन मस्जिद की तरफ चल पड़े। सब ने मिलकर बाजमात नमाज अदा की और अल्लाह ताला की नेमतों की तारीफ़ की। अब तमाम लोग कान की सैर करने के बाद कान से बाहर आ गए थे। सर नदीम बच्चों को करीबी दुकानों पर ले गए जहां नमक से बनी मुख्तलिफ आरायशी अशिया, आरायशी अतः सजी हुई, ठीक है, मुख्तलिफ आरायशी अशिया मसलन कायद और इकबाल के मज़ार के नमूने, मीनारे पाकिस्तान का नमूना और मुख्तलिफ तरह के लैंप और फ्रेम करीने से रखे हुए थे। करीने मतलब तरीके से, ठीक है। बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की अशिया खरीदी, फिर सब बस की तरफ रवाना हुए। बस में तमाम बच्चों की हाजिरी लगाई गई और यूं वापसी के सफ़र का आगाज़ हुआ हो गया। अगले दिन पूरे स्कूल में सैर के किस्से सुनाए जा रहे थे और बच्चे अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, ठीक हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसकी रीडिंग करेंगे, मज़ीद जानने में देखें। आइए मज़ीद जानिए, खेड़ा में नमक की दरियाफ़ 326 कबल मसीह में बादशाह सिकंदर आज़म के ज़माना में हुई, ठीक है। खेड़ा के नमक की जो दरियाफ़ है ये 326 कबल मसीह बादशाह सिकंदर आज़म के ज़माने में हुई थी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसकी रीडिंग अच्छे से करेंगे और जो अल्फाज आपको मुश्किल लग रहे हैं उनके आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। और इसके साथ ही आप आ जाएँ पेज नंबर 22 पर। यहाँ पर देखिए अल्फाज मानी दिए गए हैं, ये अल्फाज मानी आपने बुक के ऊपर से ही याद करने हैं, बस इनको लिखना नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। नोटबुक वगैरह पे लिखना नहीं है, सिर्फ यहाँ से इनको याद करके टेस्ट देना है। पढ़ेंगे हम आरायशी सजावटी, यानी सजी हुई आरायशी सजावटी, मुनव्वर रोशन, ताज़ा दम, चुस्त तवाना, आप इसका चुस्त भी लिख सकते हो, तवाना भी लिख सकते हो, ठीक है। करीने से रखना, तरतीब से रखना, करीने से रखना, तरतीब से रखना, रवा दवा भागता हुआ तेज़ी से चलता हुआ, रवा दवा भागता हुआ तेज़ी से चलता हुआ, आप इसका एक लिख सकते हो, ठीक है। भागता हुआ भी लिख सकते हो, तेज़ी से चलता हुआ भी लिख सकते हो। सलीके तरीके, सलीके तरीके, कबल पहले, कबल पहले, ठीक है। तो यही आपका आज का जो है ना वो डायरी भी यही है कि आपने इसके रीडिंग और ये अल्फाज के मायने जो है ना ये अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।